नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्रा। देहरादून में 150 से अधिक मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के क्यों लगाए गए बैनर, क्या इसका संबंध गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में हुई घटना से तो नहीं, तो चलिए जानते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ईश्वर, अल्लाह और गॉड, भगवान को अनेकों नाम से जाना जाता है। चाहे हम मंदिर में जाए वहां भी भगवान मिलेंगे, या फिर मस्जिद में जाए या फिर चर्च में, सभी के पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान सिर्फ एक है। तो धर्म इंसान को क्यों बांट देता है, क्या ये सही है? टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक देहरादून में 150 से अधिक मंदिरों में ये कहते हुए बैनर लगाए गए कि परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। पर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, बैनर दक्षिण पंथी संगठन हिंदू युवा वाहिनी द्वारा लगाए गए हैं, जिनके सदस्यों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में मंदिरों में ऐसे बैनर लगाए जाने की योजना बना रहे हैं। ये बैनर देहरादून के चक्राता रोड, सुद्धोवाला और प्रेम नगर इलाकों में स्थित मंदिरों में लगाए गए हैं। ये कदम मुस्लिम समुदाय के एक लड़के द्वारा डासना गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में नल का पानी पीने के लिए हमला किए जाने के कुछ दिन बाद आया। मंदिर में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि मुसलमानों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, मंदिर के मुख्य पुजारी महंत यति नरसिन्हानंद सरस्वती के निर्देश पर यह बोर्ड लगाया गया। गाजियाबाद में हुए मुस्लिम लड़के के साथ दुर्व्यवहार की घटना के बाद धोलाना के बसपा विधायक असलम चौधरी ने आरोप लगाया था कि मंदिर उनके पूर्वजों का था। उन्होंने यह भी कहा कि वे मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगने वाले पोस्टरों को हटा देंगे। हिंदू युवा वाहिनी के राज्य महासचिव जीतू रणधावा ने आरोप लगाया कि असलम के खतरे का मुकाबला करने के लिए अब हम उत्तराखंड के हर मंदिर के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए है और ये पूजनीय स्थान है, और इसीलिए केवल उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाएगी जो इस धर्म के हैं। गाजियाबाद में हुई घटना के बाद मंदिरों में लग रहे गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध बैनर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।